अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। यू आर वॉचिंग कैडबरी डेयरी मिल्क पीएसएल हंगामा, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय हर्बल शैम्पू, ब्रॉट टू यू बाय नियो बाय काइजन पेंट, पावर्ड बाय एचबीएल, रिफ्रेश्ड बाय कोक। मैं हूं जिशान मलिक और पीएसएल 9 का हंगामा जारी है। आज 14वां मैच है और दो नंबर वन टीमों के दरमियान ये मैच है। एक नंबर वन है ऊपर से और एक नंबर वन है नीचे से, यानी मुल्तान कलंदर्स और लाहौर मुल्तान सुल्तान। देखिए, मैं भी ये लाहौर कलंदर्स की वजह से कितना कंफ्यूज हो गया हूं कि दोनों के नाम मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि हमें भी उम्मीद है कि शायद लाहौर कलंदर्स जीत जाए, शायद लाहौर कलंदर्स कराची जाकर विनिंग टीम की हैसियत से वहां मैच खेल सके, शायद लाहौर कलंदर्स को कमाल कर दे, शायद लाहौर कलंदर्स के शाहीन कुछ जादू दिखा दें, कि शायद चूंके चुनाचे अगर मगर का खेल है, जो कि कौमी टीम की जिस तरह साथ होता है वैसा ही लाहौर कलंदर्स के साथ भी है। 5 मैचेस खेली है लाहौर कलंदर्स और 5 के 5 हारी है, और खुद जो लाहौर शहर है यहां भी मायूस किया है। तो मजीद तमहीद नहीं बांधते और बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड साबिक हमारे कैप्टन जनाब सलीम मलिक साहब, और साथ ही साथ साबिक टेस्ट बॉलर अब्दुलरऊफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। तीन चीजों पर बात करनी है, दोनों की परफॉर्मेंसेज और वकार यूनुस साहब की पिच रिपोर्ट। खैर, अभी फिलहाल टीम्स की बात कर लेते हैं। 5-5 मैचेस दोनों ने खेले हैं, मुल्तान सुल्तान्स कोई मैच हारी नहीं है, लाहौर कलंदर्स कोई मैच जीती नहीं है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए, दोनों जो अब तक खेल चुके हैं, 18 मैच दोनों ने खेले हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं, 9 मैचेस दोनों ने जीते हैं। आज का मैच कितना टफ होगा, डू और डाई है, ये जहन में रखिएगा। दरअसल दोनों पर प्रेशर नहीं है। अच्छा, उन पे हारने का नहीं है, उन पे जीतने का नहीं है। क्योंकि लाहौर कलंदर पे तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मुझे बजाहर नजर आ रहा है कि वो बाहर हो चुकी हुई। अच्छा। है और नथिंग टू लूज वाला हिसाब है कि लाहौर कलंदर आज शायद, क्योंकि चूंकि आप बुरा उस वक्त करते हो जब प्रेशर होता है, सही है। तो आज तो मुझे लगता है उन पे कोई प्रेशर भी नहीं है। हाँ। तो आज तो कम से कम एटलीस्ट अच्छा कर लेना चाहिए। बहरहाल टीमें दोनों अच्छी हैं। लाहौर कलंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि वो एक चीज में लैग कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और वो थी बॉलिंग उनकी। अच्छा। कि बॉलिंग उनकी वीक हो चुकी हुई है। अगर आप कंपेयर करें मुल्तान के साथ, तो मुल्तान का एक पूरा पैकेज है, वो आपकी बैटिंग उनकी ले लें, उनकी बॉलिंग ले लें, वो कंप्लीट एक टीम है, इसीलिए आप देखें वो नंबर वन है। ऐसी वजह से है। तो लाहौर कलंदर को ये सोचना चाहिए था कि वो आज पता नहीं लिंडे को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। एक वाहद बॉलर है, वो पिछले मैच में भी उनको खिलाना चाहिए था, उसको नहीं खिलाया। तो मेरा ख्याल लाहौर कलंदर का जो थिंक टैंक है ना, वो उस चीज़ पे अभी तक काम नहीं कर रहा। वो उनको सोचना चाहिए था कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं, आप पिछले साल हम क्यों जीतते रहे और इस साल क्यों हार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो कुछ चीज़ें हैं जिस पे उनको काम करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे काम करना चाहिए लाहौर कलंदर्स को? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे वो अभी वर्क नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे वो तीन प्लेयर्स पर, एक बैटिंग में कर रहे थे फख्र जमान पे, इवन के 211 रन भी जब उन्होंने किए तो मेरा अक्सर यही बात लोग कह रहे थे कि अगर फखर जमान खड़ा हो गया तो ये स्कोर चेंज कर लेंगे। मगर फखर जमान किसी भी मैच में अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां कर। वेलकम बैक जी। नाजिंद, पिच रिपोर्ट आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुनी, वकार यूनुस का क्या कहना था पिच के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि जरा उस पर ही बातचीत कर लिया जाए, तबसरा ले लिया जाए जनाब सलीम मलिक साहब और अब्दुल रऊफ साहब का। वकार यूनुस साहब कह रहे हैं बॉलर्स की शामत आएगी आज की पिच को देखते हुए, उन्होंने ये कहा है और वेरिएशन भी हैं उन्होंने कहा है। माजी का रिकॉर्ड उनका मद्देनजर रखते हुए क्या कहना चाहेंगे, आप इत्तफाक करेंगे? मैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, उसको ये पहले तो ये कहना चाहिए था। सही। आज मेरे ख्याल लो स्कोरिंग रुझू किया उन्होंने अपनी राय से, मेरे ख्याल आज लो स्कोरिंग हो गया, क्योंकि वकार ने कहा स्कोर बनेगा तो लो होगा स्कोर। ठीक है। आज एक चीज थी कि उन्होंने कही कि इस पे 3 मैचेस हो चुके हैं, फ्लैट विकेट है, शाइनिंग है, तो ऑब्वियसली बॉलर्स के लिए मुश्किल होती है। मगर हमेशा T20 में जो पहले 6 ओवर होते हैं ना, वो बड़े वाइटल होते हैं। आप देखिएगा मैच उसी से टर्न होता है, उसमें विकेटें गिरती हैं या स्कोर होता है। तो मेरा ख्याल विकेट तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्कोर करना चाहिए, जमान को सूट करती है, बाकी प्लेयर्स को सूट करती है, डूसन है, साहबजादा फरहान को सूट करती है, साहबजादा फरहान जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, तो विकेट तो अच्छी है। तो अब डिपेंड करता है ये, मगर ये मैं एक चीज़ बताऊं, जो ऐसी विकेटें होती हैं ना, जब उस पर बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाते हैं ना,
तो फिर उस पर टर्न आना शुरू हो जाता है। अच्छा। ब्रेक ज़रूर होता है बहुत, तो ये एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर के पास तो स्पास तो स्पिनर नहीं है। तो फायदा लेकिन मुल्तान सुल्तान उठा सकते हैं उसके ठीक स्पिनर उनके पास ही बेहतर हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको वक्फे से पहले एक बात कह रहा था कि मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक बात की थी कि कभी भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में जो टीम पहले मैचेस जीतती है ना, फिर वो उसको उसका कमबैक करना वो ऊपर ही जाती है, और जो हारती है वो नीचे जाती है। और लाहौर कलंदर ने देखे रिलैक्स मैच खेले, उनके दिमाग में शायद ये था कि हम चैंपियन, हमारी बहुत अच्छी टीम है, तो अब वो रिकवर नहीं हो रहा उनसे और ये होना भी नहीं। अच्छा, रिकवर होना भी नहीं है। स्पिनर की कमी आज महसूस होगी, राशिद की बिलखसूस अगर बात की जाए कमी महसूस, लेकिन बात यह कि राशिद नहीं थे तो उनका कोई बैकअप तो होना चाहिए था। स्पिनर उनके पास कोई है नहीं और सिकंदर अजहर उन्होंने गेंद करवानी नहीं है। देखें ठीक है, लेकिन मैं पहले पिच पे ही बात करूंगा। अच्छा। क्यों उन्होंने जो लिहाज किया आपने नहीं करना है। देख कैसे कर सकते हैं आप, प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए ना। आपने पहले इससे पहले मैच हुआ उसमें आपने कहा था ग्रीन पैचेस हैं, ग्रीन पैचेस बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल फ्लैट पिच थी। इन्होंने कहा था कम स्कोर होगा, 211 एक टीम ने किया, ऑलमोस्ट 200 दूसरी टीम कर गई। कल के मैच में इन्होंने कहा कि स्लो पिच है उस पर फिर कम स्कोर होगा, कल फिर 200 रन हुए, 400 रन हो गए 40 ओवर में। कलर ब्लाइंड ना हो। आज इन्होंने कहा कि सेम पिच है जो उस तरह पिछले दो मैचेस में थी, हालांकि दो मैचेस में इन्होंने डिफरेंट बताई थी, आज डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो आज इनका मतलब है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, मगर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो मेरा सेंस है क्रिकेट का, क्योंकि मैचेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं इसी पिच पे, तो अब पिच लेगी स्लो, थोड़ा सा रुके बॉल आएगा, जो स्लो बॉलर्स होंगी उनको सपोर्ट करेगी और इस तरह बैट पर बॉल नहीं आएगा जिस तरह पिछले मैचेस में आता रहा। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उतना स्कोर होगा जिस तरह वकार यूनुस बता रहे हैं, उससे कम स्कोर होगा जो इन्होंने टारगेट दिया। तो फिर ऑब्वियस हो गया ना, अगर वकार यूनुस कह रहे हैं कि स्कोर ज्यादा होगा तो वो अंदाजा लगा लेंगे कम ही होगा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है कि वो इनके कॉम्बिनेशन का, देखिए एक सिर्फ राशिद नहीं है, क्योंकि राशिद हर टीम से नहीं खेल सकता, उसका फिटनेस का इशू है, वो पूरा साल लीग क्रिकेट भी खेलता, अफगानिस्तान से भी खेलता, तो उसके इशू तो नहीं थे। तो इनको चाहिए था कि पिक अच्छी करते। आप देखें जिन टीमों के पास पिक अच्छी है, जिस तरह पिशावर ने रिप्लेस किया, उनके दो बॉलर आमिर जमाल और जिशान ने परफॉर्म नहीं किया, तो वुड और उसके बाद उन्होंने वॉल्टर ने उनको रिप्लेस कर दिया और नवीन उल हक आ गए। अब इनके पास प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे उस पर, राशिद खान पे और जो अपने फास्ट बॉलिंग थी उस पर, शाहिन अफरीदी खुद, शाहिन आरिस रऊफ थे और उसके बाद आपके जमान खान थे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ना तो इनका जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लिंक है वो चाह रहा है, ना बॉलिंग लिंक चाह रहा है, और ना इनके स्पिनर चाह रहे हैं। लिंडे को उन्होंने मंगवाया जरूर है, एक मैच के बाद उसको भी ड्रॉप कर दिया इन्होंने। तो इनसे जो पिक हुई है वो अच्छी नहीं। और इसमें जो सबसे बेसिक चीज मैं एक बात करना चाहूंगा, इस तरह सलीम भाई ने की है, जो मैनेजमेंट है ना, जब तक आप मैनेजमेंट चेंज नहीं करेंगे आप इसी तरह के रिजल्ट लेंगे। हमारी एक साइकी बन चुकी है पाकिस्तानी कौम की, हम जो हर इदारे को, हर सिस्टम को हम फ्यूडल सिस्टम के तहत चलाते हैं और उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप देखें कि 8वां या 9वां सीजन है इसका पीएसएल का, और मैनेजमेंट वही है, आज तक चेंज नहीं हुई। दुनिया का कोई प्रोफेशनल सेटअप बता दें जहां पर इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं, आप 6-6 सीजन लगातार मैच आ जाते हैं और आपकी मैनेजमेंट चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपना सिस्टम का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं अपने हाथों से, अगर आप चेंज नहीं करेंगे प्रोफेशनल लोगों को। मुस्तकिल मिजाज अगर दिखाने तो परफॉर्मेंस में दिखाएं, कम से कम गलत फैसलों में नहीं दिखानी चाहिए। जो 2016 से 2019 तक की हमने लाहौर कलंदर्स देखी थी, क्या हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं? तारीख दोहरा रही है अपने आप को। देखिए इस पर जवाब आपका चाहिए, मुफस्सल जवाब चाहिए। ब्रेक करके माजरत के साथ वक्त हुआ नाजिन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सलीम मलिक साहब से जानेंगे लाहौर कलंदर्स का वो फ्यूचर क्या देख रहे हैं उनके माजी को मद्देनजर रखते हुए। वेलकम बैक जी। तो आज अहम मैच है लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए अगर, मगर चूंकि चुनाचे वाला मैच है और आज का मैच उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने टूर्नामेंट में रहना है तो आज का मैच ना सिर्फ जीतना होगा बल्कि अच्छे रन रेट से फतह अपने नाम करनी होगी। लेकिन मद्दे मुकाबले जनाब मुल्तान सुल्तान्स हैं जो कि अब तक नाकाबले शिकस्त रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। तो ब्रेक पर जाने से पहले सलीम मलिक साहब से बात कर रहे थे और लाहौर कलंदर्स की ताज़ा परफॉर्मेंस और जो माजी में परफॉर्मेंस रही उस पर हम मुवाजना ले रहे थे। तो जो 2016 से 2019 तक की लाहौर कलंदर्स थी वही नज़र आ रही है अब भी? बिल्कुल, आप देखें जब भी ये बहुत सारे मैचेस आ रहे थे, असल में बात पता क्या कि जो हम बार बार कह रहे थे इनका कम्बिनेशन नहीं है, वो अभी तक उसी में फंसे हुए हैं कि हमारी फास्ट बॉलिंग काम करेगी। मैं आपकी ना कुछ सेगमेंट पहले हमने एक बात की थी कि ये लाहौर कलंदर अगर 200 भी करेगी ना तो ये जीत नहीं पाएगी। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि इनकी बॉलिंग बहुत वीक है,
तो अगर ये स्कोर करते भी हैं तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देखें, बहुत दफ़ा हो चुका है इस टूर्नामेंट में कि ये कर नहीं पाए। अब भी अगर ये पहले बॉलिंग नहीं करेंगे और सेकंड बॉलिंग करेंगे तो ये बड़ा स्कोर कर भी जाएंगे तो रोक नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल में इनके पास एक ही चॉइस रह जाती है कि ये पहले बॉलिंग करें। अच्छा, क्योंकि इनकी चेस कर सकते हैं आपके ख्याल में। देखें, इनकी बैटिंग तो है ना, फखर है, साहबजादा है, डूसन है, ये इनकी बैटिंग फिर भी कर सकती है। अगर ये बॉलिंग बाद में करेंगे तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये मेरे ख्याल में अगले साल के लिए, अब तो ये इनके हाथ से निकल चुका है। अब तो वही वाली बात है जो वर्ल्ड कप में हमका कहा करते थे, वो टीम जीते तो वो हारे और वो करे तो हम सेमीफाइनल बाद दुआओं पे आ गई है इनके। तो लाहौर कलंदर की अब दुआओं पे आ गई है, क्योंकि ये अब आगे आती मुझे नजर नहीं आती। देखिए, 5 मैच हारने के बाद कम बैक करना वही टीम कर सकती है जिसका जो बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, टीम बहुत स्ट्रांग हो, कप्तान बड़ा अच्छा हो। आपका कप्तान भी कुछ नहीं कर रहा, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर कलंदर आगे आप उसको देखें। ठीक है, तो जनाब 3 तब्दीलियां मैच में की हैं। शाहीन अफरीदी कह रहे थे टॉस जीता है मुल्तान सुल्तान ने और रिजवान ने फैसला किया है कि वो पहले बैटिंग करेंगे। वही बात जो सलीम मलिक भी कह रहे थे, अगर मुल्तान सुल्तान की बजाय शाहीन अफरीदी टॉस जीते, नहीं कि लाहौर कलंदर टॉस जीते तो उन्हें पहले बैट करनी चाहिए। लेकिन शाहीन अफरीदी कह रहे थे अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बॉलिंग का ही फैसला करते। राव साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे लगता है उन्होंने सुन लिया है रिजवान ने भी। मेरे ख्याल ये इनके लिए बेहतर ही हुआ है, क्योंकि लाहौर कलंदर अगर बॉलिंग करता है ना तो सेकंड में उनको बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, उनके बैट्समैन चेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल उनके लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरी हुई है। और शायद ये इसका फायदा भी तो उठाए ना, शायद रिजवान ने को फेवर किया उसको पहले बैटिंग करके। सही, टॉस का जो जीता है मुल्तान सुल्तान, जो फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, कैसे देखते हैं? देखिए, डेफिनेट उन्होंने बैटिंग पहले करनी थी। आप अगर उनकी टीम देखे तो उन्होंने आज 2 स्पिनर इंक्लूड किए और उसके बाद जो उनके इफ्तिखार हैं उनसे भी वो बॉलिंग करवाते हैं। तो आप जिस तरह जो पिचेज हैं अपना बिहेवियर चेंज कर रही हैं, ड्राई हो रही हैं और उसके बाद जो स्लो बॉलर्स हैं उनको हेल्प आउट कर रही हैं, तो उसके मुताबिक जो इनके पास वेरिएशन भी है और इनके पास जो इनकी रिप्लेसमेंट प्लान बहुत अच्छा है। अच्छा। अभी उन्होंने एक और लड़का जो मेरा ख्याल है कि इहसानुल्लाह जो अनफिट हो गए थे उनकी जगह पे अली माजिद एक लड़का उसको इंक्लूड किया अपने स्क्वाड। अच्छा। में हम वैसे कोशिश करेंगे हमारे पास प्लेइंग 11 आ जाए। जो 3 तब्दीलियां की हैं वो क्या हुई हैं? तो वो भी स्पिनर है, उसके अलावा इन्होंने आज फैसल अकरम को इन किया, वो भी स्पिनर है। उसके बाद उसामा मीर साथ खेल रहे हैं, आफ्ताब इब्राहिम थे लास्ट मैच में, उन्होंने बड़ा अच्छा ऑलराउंडर से परफॉर्म किया। और उसके बाद मोहम्मद अली जो इनके सीजनल बॉलर हैं, जो उस वक्त हाइएस्ट विकेट टेकर हैं, वो खेल रहे हैं। तो जब आप 3 स्पिन बॉलर के साथ खेल रहे हो तो ड्यू कंडीशन में आप किसी सूरत भी पहले बॉलिंग बैटिंग नहीं कर सकते। उसके उसमें आपको फिर थोड़ा सा शुरू में ही चांस लेना पड़ता है। मगर आज मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्ट्रेंज डिसीजन है इनका और अब देखते हैं कि आगे जाके किसी मगर रऊफ ड्यू फैक्टर में तो फायदा सेकंड बैटिंग वाली को ही होता है। तो ये जब ड्यू आएगी पड़ेगी तो मेरा ख्याल स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगी। तो वो देखें ना, जब हाँ थोड़ा सा गीला बॉल होएगा तो मेरा ख्याल उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं इस उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा था कि लाहौर कलंदर की गुड लक है कि उनको चेस करने का मौका मिलेगा और जो फायदा होना था वो शायद कम हो स्पिनर्स को, क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा, गीला बॉल करना जरा थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर की गुड लक हुई है कि उन्होंने क्योंकि सुबह के टाइम अगर वो बॉलिंग करते तो ड्राई कंडीशन में उनके स्पिनर्स को स्पिन ज्यादा मिल सकता सही था। सही है, तो ये एक गुड लक हुई है। मलिक साहब, जरा दिखा देते हैं नाज़रीन को भी और आपको भी कि जो प्लेइंग 11 है वो क्या है, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो आज के इस मैच में खेल रहे हैं, तो उस पर बेहतर जो है वो तबसरा भी किया जा सकेगा। तो आज जो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का मैच है उसमें प्लेइंग 11 नाज़रीन आप तक हम पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं। और एक तरफ कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, दूसरी जानब हैं रिजवान, और दोनों जो सबका जो टूर्नामेंट था उसमें फाइनल में मतलब मुकाबले थे आपस में, और लेकिन कुछ आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है शाहीन शाह अफरीदी। तो चले प्लेइंग 11 की तरफ भी बाद में आते हैं। तो मलिक साहब, जो शाहीन अफरीदी की कप्तानी और रिजवान की कप्तानी, इन दोनों को आप किस तरह रेट करते हैं? देखें, बहुत फर्क है। आप कंसिस्टेंट अगर देखें तो रिजवान बहुत बेहतर कप्तानी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। देखें, एक तो टीम सिलेक्शन उनकी
से ही आपको पता चलता है कि आप टीम सिलेक्ट क्या करते हैं। सही। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि रिजवान मुल्तान सुल्तान की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, प्लस शाहीन इसलिए जीतता रहा कि उसकी बॉलिंग उसको जितवाती रही। तो जब आप सिलेक्शन जब आप करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए था, इसका मतलब है कि आपका विजन नहीं है, आपको ये सोचना चाहिए था कि आपकी बॉलिंग बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। वो आप उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरा देख लें आप भी, ये प्लेइंग 11 है, दोनों साइड्स के जो स्क्वाड हैं वो नजर आ रहे हैं, और कोई खास तब्दीली खैर नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर्स में कुछ तीन तब्दीलियां जैसे कि शाहीन भी कह रहे थे वो की गई हैं। तो इसमें नजर जो आ रहा है, अच्छा जी ये आए हैं, ठीक है ना नाजिन, ये आप देख सकते हैं। सर मलिक साहब देखें, कामरान गुलाम एक एडिशन है जी, उनको शामिल किया गया है टीम में, कामरान गुलाम, और उसके अलावा जॉर्जिनिया वापस आ गए हैं, ठीक है। और तीसरी तब्दीली सलमान फयाज की, सलमान फयाज की भी तब्दीली है जी, वो भी तो कैसे देखते हैं जी इन तब्दीलियों को राव साहब आप? देखिए वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो पिचेस का जो बिहेवियर है चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक इनको अपनी जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो दोनों टीमों ने आज दो दो स्पिनर इंक्लूड किए हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते हैं, और तो इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जल्दी करना चाहिए था। आज इन्होंने दुरुस्त चेंजिंग की है, कामरान गुलाम को खिलाया, बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, उसने काफी ज्यादा स्कोर किया, फर्स्ट क्लास में भी किया, पास में भी करता रहा, तो उसकी इंक्लूजन अच्छी है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ब्रेथ वेट का एक मुझे समझ नहीं आ रही कि बार बार उस पर क्यों रिलाई कर रहे हैं, ना तो बैटिंग उसको फील्डिंग एज ए फील्डर खिला रहे हैं ना उससे बैटिंग हो रही है, ना बॉलर ने हाल किया है मेरा ख्याल है जी। खैर अच्छा ये बताएं मुझे, जो इस वक्त हम उससे पहले कप्तानों की बात कर रहे थे, मलिक साहब ने तो अपना राय दे दी थी, लेकिन आप किस तरह रेट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को और रिजवान की, मुवाजना किस तरह करते हैं कंपैरिजन? देखिए मेरा ख्याल है कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कैप्टन है, रिजवान है बहुत ही पॉजिटिव कैप्टन है, और उसके बाद टीम को जेल करके रखता है, अप्रिशिएट करता है हर प्लेयर को। इसमें ये जो शाहीन अफरीदी है थोड़ा सा अग्रेसिव है, उसके बाद जो स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो जो मैनेजमेंट के साथ जिस कैप्टन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है वो अंदर जाके प्लान ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो शाहीन अफरीदी और जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट है उनकी प्लानिंग भी या उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत बेहतर है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये चेंजिंग कर रहे हैं, तरह टीम को खिला रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपना बॉलर्स को यूटिलाइज किया वो एक्सेप्शनल है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर कलंदर का ना तो टीम मैनेजमेंट सही, उसका सिलेक्शन सही हुई है, ना अंदर उनकी फाइट सही हुई है, और उसके बाद जो चेंजिंग हुई है, और वो अप्रिशिएट भी करता है कैच गिराने पे ठीक है। अच्छा एक ब्रेक का वक्त था, लेकिन ब्रेक से पहले नाजरीन को हम सुनाना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर हैं आलिया रियाज खान, उन्होंने पहले तो कुछ मायूसी का इजहार किया लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर, कुछ मशवरा भी दिया उन्होंने और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है, स्पोर्ट्स हेड अहमद रजा से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगु की है, ये भी नाजरीन आप देखिए, और फिर उसके बाद एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुझे लगता है लाहौर कलंदर को वो जो पिछले पुराने साल थे ना वो अपने वो याद आ गए, कलंदर की जो बैटिंग है, जैसे फखर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही फखर के रन्स होते हैं तो टीम की जो एक सिचुएशन है वो टीम का जो है आपने देखा होगा स्कोर वो डिफरेंट ही जो है वो उसमें होता है, तो मेरे ख्याल से फखर जो है इनके मेन इंपॉर्टेंट जो है वो बैटर हैं, और जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट होता है, जिस तरह से वो खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलें टीम के लिए, और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से बॉलिंग में भी जो है एक दो जो मेरे ख्याल से जो थोड़े से रन्स जो है वो मेरे ख्याल से इनके बॉलर्स ऐसे हैं, क्योंकि राशिद खान नहीं आए तो उनकी वजह से भी इनको काफ़ी जो है वो लॉस हुए हैं उनका, तो मेरे ख्याल से इनको जो है स्ट्रेटजी और अच्छी अपनानी चाहिए, और मैच में मेरी विश है कि लाहौर जीते और अच्छा परफॉर्म करे और टूर्नामेंट में इन रहे। नाजरीन बाप खुश आमदेद कहते हैं आपको, मैच नंबर 14 है लाहौर के कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करने जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स है तो डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन इस टूर्नामेंट में डिफेंसलेस चैंपियन नजर आ रहे हैं। बहरहाल कुछ जो तब्दीलियों पर बात कर लेते हैं, दो तब्दीलियां हुई हैं मुल्तान सुल्तान्स में, फैसल अक्रम और शाहनवाज धानी की वापसी हुई है, जबकि मैं खासतौर पर अगर सलमान की बात करूं, सलमान फयाज आप इस तरफ आता हूं, पहले मैं हैं ये स्पिनर, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी ये है कि 7 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खेले हैं, कोई विकेट हासिल नहीं किया, 2 T20 खेले हैं, 2 विकेटें हैं इनकी, और ये एक अहम मैच है आज
लाहौर कलंदर्स के लिए, इनकी शमूलियत को क्या उम्मीद है इनसे? देखिए, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जो उनका रिप्लेसमेंट प्लान है बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें कि जो उनके मेजर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अनफिट हुए हैं, तो देखें मोस्ट प्रीमियर बॉलर है इस आपके इवेंट का, अगर उसकी आपको आप देखें रिप्लेसमेंट कोई उसी तरह का कोई टॉप बॉलर होना चाहिए था जो उसको रिप्लेस करता, मगर इनके पास रिप्लेसमेंट नहीं थी। जिस बॉलर को इन्होंने खिलाया लास्ट मैच में, उसको तीन ओवर में कोटा ही मुकम्मल नहीं हुआ और तीन ओवर में 40 रन से ज्यादा रन कंसीड हो गया। आज इन्होंने उसको सलमान फयाज को शामिल किया, वो भी मेरा ख्याल है कि अब देखें कि आप उसको किस तरीके से कह सकते हैं कि वो राशिद खान की रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो ये चीजें हैं जिस पे इनको वर्कआउट करना चाहिए था। अब दूसरी तरफ उनको देखें जो कोयटा इसकी मुल्तान की टीम है, तो उनके पास एग्जैक्ट दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट है। अगर शाहनवाज दवानी नहीं होता तो आफ्ताब खेला, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आज उन्होंने एक जो स्पिनर फैसल अकरम को शामिल किया, उसने इस साल जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई है उसके फाइनल में उसके खिलाफ वापडा के खिलाफ 7 विकेटें ली हैं उसने पीटीवी की तरफ से। तो ये सीजनल कंपेनर है, उन्होंने पूरा अपना वर्कआउट किया हुआ है जो उसकी मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट है या टीम है, तो उस तरह उन्होंने रिप्लेसमेंट प्लान बड़ा स्ट्रांग रखा हुआ। लाहौर के पास ना टीम इतनी बैलेंस है और ना उनका रिप्लेसमेंट प्लान इतना अच्छा है। ये बिल्कुल है, देखें इसमें ना एक चीज है कि जो अच्छा कप्तान होता है ना वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो बाहर बैठी होती है ना उसको ट्राई जरूर करता है, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हुए हैं मुल्तान ऑलमोस्ट कर चुके हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली देखेगा कि जो बाहर मेरे प्लेयर हैं अगर कोई अनफिट होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके पास पीछे कौन सा प्लेयर ऐसा है, बाद में अचानक से प्रेशर नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता ना, आप वो साथ लेके चल रहा है, ये उसकी अच्छी चीज कप्तान की ये होती है। आप अगर लाहौर कलंदर को देखें तो लाहौर कलंदर की रिप्लेसमेंट क्या है, जो भी आपने बताया 7 फर्स्ट क्लास मैच, कोई आउट नहीं, दो तो लाहौर कलंदर की प्रॉब्लम ये है कि जो इनको स्पॉन्सर देता है अच्छा वो उसको खिला देती हैं। ये आप देख लें, बहुत सारे हम पहले भी बात करते रहे, कप्तान खेला 3 साल के लिए लाहौर से, तो वो उसके सोहेल अख्तर और उसके अंडर बहुत सारे प्लेयर खेले, तो ये चीजें जो है ना ये बड़ा मैटर करती हैं किसी भी टीम के लिए। मुल्तान का भी ऐसा काम नहीं कर रहा, वो देखे वो जीतने के लिए जाता है और वो अच्छी चॉइस उनके पास होती है हमेशा। बाकी टीमों को भी, कराची का क्यों बुरा हाल है, वो भी यही कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट जो है अभी तक उन्होंने पिछले साल भी देखे 2-3 साल से वो बॉटम पे फिनिश करते हैं, इस साल थोड़ा सा बेहतर जा रहे हैं, मगर उनका भी हाल यही है कि वो भी उस पर काम नहीं कर रहे। और ये लाहौर कलंदर का तो 2 साल से जीती जरूर है, पर इनमें बहुत से ऐसे सरप्राइजेज आपको नजर आए हैं जो नहीं होने चाहिए। अच्छा सर ये बताएं, कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, हमें लाहौर कलंदर्स का जो एक और बड़ा मसला नजर आया पूरे टूर्नामेंट में वो उनकी गंदी फील्डिंग है, बुरी फील्डिंग है, मैच कैचेस ड्रॉप कर देते हैं वो और बाउंड्रीज बचाने में कामयाब नहीं रहते हैं, ये जो कमजोरी है ये आज के मैच में भी जाहिर है उनके सामने आएगी, नुकसान देखें। असल में पता क्या, फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जो आप ना आप खुद उस पर मेहनत करते हो, आप खुद घंटा घंटा जाके इंफरादी तौर पर आपको जरूर मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि हम जब पाकिस्तान टीम में आते हैं उसके बाद हमें बताया जाता है कि फील्डिंग किस तरह करनी है, किस तरह थ्रो करनी है। अब मैं आपको बहुत सारे इंसिडेंट आज के मैच में भी दिखाऊंगा कि थ्रो किस तरह करनी चाहिए थी और ये किस तरह बॉल पकड़े हैं और घूम के बॉल फेंकते हैं, इनको ये नहीं पता होता कि बॉल हिट मारते हैं तो बॉल जिस किस साइड पे गई है और बैट किस हाथ में पकड़ना चाहिए। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये पाकिस्तान टीम में आके लोगों को बताया जाता है, जबकि ये चीज़ें जब आप हम अंडर 16 या अंडर 19 या छोटे लेवल बचपन में आपको बताई जानी चाहिए, जो ये काम है ये बेसिक चीज़ें अकेडमी को बतानी चाहिए, हम वहाँ नहीं बताते। हम बार बार क्यों शोर करते रहते हैं कि हमारा स्टाफ जो है उनको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, हम नहीं करते। फिर वहाँ आके आपको नज़र आता है कि खुशदिल ने 4 कैच गिरा दिए, शहीन ने सीधा कैच यूँ छोड़ दिया, कॉटन बोल्ड छोड़ दिया, बहुत सारे इस टूर्नामेंट में आपको ऐसे ऐसे कैच नज़र आए हैं, जमान ने जो उस दिन छोड़ा है, मतलब अच्छा एक सबसे बड़ी चीज़ गंदी चीज़ जो इसमें है ना कि आप सीधा कैच छोड़ के डाई मार देते हैं, दिखाने के लिए मुश्किल कैच था। तो ये चीज़ें जो है ना ये मेरा ख्याल है टूर्नामेंट से पहले फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या डरते हैं, कमरियारा चक जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, क्या खौफ है कोई?
देखिए, एक तो आपका जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं है, उसके बाद जो आपका कोचिंग का स्टैंडर्ड है बहुत ही ज्यादा लो है, उसके बाद जो आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें वही स्पार्शी लोग इन्होंने कोचेज लगाए हैं जो इस काबिल ही नहीं है, तो उनको इन्होंने कंटिन्यू करवाया हुआ, तो इस वजह से आपका जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है दिन ब दिन पाकिस्तान का कोच बताओ ना, पाकिस्तान के दो अजीबो गरीब से पिछले 10-10 साल से वही कोचेज चले आ रहे हैं और पता नहीं किधर से सिफारिशें पकड़ के ले आते हैं, इधर अकेडमी में लग जाते हैं और पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं। आप देखें कि सिर्फ इस PSL में 22 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, एक खुशदिल शाह पाकिस्तान से 6 साल से खेल रहा है, 6 कैचेस उसने छोड़े हैं, ना इनसे कैचेस पकड़े जाते हैं, उसके बाद जो फंबल होता है सीधा सीधा बॉल नहीं आपसे पकड़ा जाता, तो ये वायद चीज है जो कि इस जो PSL है आपका टॉप का ब्रांड है इसके स्टैंडर्ड को डैमेज कर रही है। बड़ा काम है, मैं चाहूंगा कि आज के मैच के हवाले से कुछ प्रेडिक्शन कर लीजिए, आपकी कौन सी टीम आप किसको जीतता हुआ देखते हैं और स्कोर प्रोजेक्शन अगर आपके ख्याल में कितना स्कोर हो सकता है? देखिए, आज लाहौर कलंदर की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो बॉलिंग इनका वीक लिंक था, तो मेरा ख्याल है कि आज लाहौर कलंदर के बेहतर चांसेस होंगे मैच जीतने के चांसेस हैं। स्कोर कितना देख रहे हैं आप? मुल्तान सुल्तान चुके बैटिंग करने लगा, स्कोर इतना हाई स्कोर मैच नहीं होगा, ये लो स्कोरिंग मैच होगा। आप यानी कि वकार ने साफ से करी कर रहे हैं ठीक है, हाँ जी हाँ बताए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर कलंदर का एडवांटेज है, मगर मुल्तान अच्छा मुझे बेहतर लगती है, इसलिए कि वो उसका मोराल बहुत हाई है, जीती हुई है। लेकिन सर होता ये है ना कि जो टीम मुसलसल जीती हुई आ रही है वो थोड़ा थक भी जाते हैं, इजी हो जाते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं, मगर एक टिपिकली देखा है। मगर रिजवान रिलैक्स नहीं करता, मैंने अच्छा। ये देखा है कि वो पूरी फाइट करता है, मगर चूंकि लाहौर को एडवांटेज ये हुआ है कि वो सेकंड बैटिंग कर रही है तो शायद कुछ बेहतर फायदा उठा लेगी इससे। कोई स्कोर आप कितना होता देख रहे हैं? मुल्तान सुल्तान कितना स्कोर करेगी आपके ख्याल में आज? मुल्तान मेरे ख्याल 180 प्लस करना चाहिए, लो स्कोरिंग मैच। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी बेहतर टीम है और सुबह के टाइम लाहौर कलंदर के पास स्पिनर नहीं है, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो फायदा नहीं उठा सकते। 180 प्लस अगर होता तो ये अचीवेबल होगा लाहौर कलंदर का? देखिए, शाम को ड्यू फैक्टर की वजह से उनकी बैटिंग है, कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आज के नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अब मैच होगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान, जो भी नतीजा निकलता है उस पर रात 11 बजे फिर बात होगी और जो जो प्रेडिक्शंस की हैं उस पर भी मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि जो आपने कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। तो शान मलिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।